ये उसने एक दिन पहले ही उसको मॉडिफाई कराया था, तो बस वो हमारे साथ ही आया था फर्स्ट राइड करने के लिए। वो ऐसी राइड हुई बेचारी की, पूरी गाड़ी समझ लो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। गाइस बहुत ही शानदार भैया की ये बाइक है, इन वाले भैया की यार, यार पूरा गेटअप बना रखा सींग वींग लगा के यार, कोई नहीं। आपने हमारा पिछला एपिसोड देखा होगा जिसमें हमारे एक राइडर की, मतलब हमारे एक साथी की बाइक क्रैश हो गई थी, तो भाई बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हो गया पूरा का पूरा। तो गाइस हमने उससे बात करी थी, तो उससे हमने लिए वही क्लिप जो उसके कैमरे से रिकॉर्ड हुई थी, उसके जो गोप्रो है उससे ली थी रिकॉर्ड, तो भाई वो हमने अभी मंगाई है। तो गाइस आपको दिखाते हैं देखो किस तरीके से गाड़ी स्लिप हो गए और आगे खंबा लगा हुआ है, मतलब पाइप लगा हुआ है मोटा सा, इतना मोटा पाइप लगा हुआ था उसका, उसके अंदर जाके उसका हैंडल लड़ गया। अब जब वो लड़ा हैंडल तो पहले वो ऐसे हुआ और फिर ऐसे होने के बाद ना गाड़ी वहीं पर ही गिर गई। लेकिन थैंक गॉड के अगर वो पाइप ना होता और कंट्रोल गाड़ी ना होती तो गाड़ी सीधा जाके दीवार के अंदर लगती, तो अभी ये नुकसान कम है। जिसके राइडर था वो उसको भी नुकसान, उसको चोट कम लगी, लेकिन अगर डायरेक्ट लग गया गाइस तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो गाइस आपको चेकआउट कराते हैं हम वो वाली क्लिप जो उसने हमें भेजी है जैसे एक्सीडेंट हुआ है। तो भाई अब बात तो अफसोस की है, लेकिन ये है कि फिर भी चलो दिखा देते हैं। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग होगा आपके लिए, अगर आप उसे हंस भी सकते हैं, रो भी सकें, कुछ भी कर सकते, समझ में नहीं आ रहा भाई। अभी के लिए इतना ही और बाकी देखना। गाइज ये थी आगे की क्लिप जो मतलब हम दिखा नहीं पाए और हमारे पास अब आई है तो हम आपको दिखा रहे हैं। तो गाइज दुख की बात है, अपना अगर साथी कोई ठुक जाए इस तरीके से, गाड़ी भी उसकी जो थी अपना KTM, ये उसने एक दिन पहले ही उसको मॉडिफाई कराया था, तो बस वो हमारे साथ ही आया था फर्स्ट राइड करने के लिए। वो ऐसी राइड हुई बेचारी की, पूरी गाड़ी समझ लो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। तो खैर वो काम तो हो ही जाएगा, छोटे वोटे भी सही हो जाएंगी। तो गाइस अब देखो आप आगे का भी ब्लॉग, क्योंकि ये हम दिखा दिया हमने आपको, आगे का भी ब्लॉग अब रेगुलर चलेगा जैसे हम बनाते हैं। सब के सब गाइस राइडर आगे आगे हैं, और अगर मैं पीछे रहूँगा तो इनको रिकॉर्ड कर पाऊँगा, और अगर आगे रहूँगा तो फिर ये रिकॉर्ड मुझे कर लेंगे, और क्या है। इतना लंबा 360 राउंड है, एकदम तेज़ी से पार करना अच्छी बात नहीं होता, तो यही समझना चाहिए राइडरों को यार। बैठे कार विच मेरे जुन में जे यार सुनिए बट खान पिंदे पंगे जान जा लेंदे असि बैठे आ बठाया बंदे उठणे नहीं दिंदे ओ गैंग फाइना हत्था दा सिरो करदा अखा दा दिला युते करे जा मुझे ओ पोर वांगू जड़ा बंद टुकी अंदे लोका पादियांगे पिंगे बवे मिस्टर इंडिया राइडर। अच्छा भाई अपने मिस्टर इंडिया राइडर स्लो चला रहे हैं, अभी तो बहुत तेज चला रहे थे।
चलो किसी को देख के कुछ ना कुछ भाई सीख लेनी चाहिए। राइड का मतलब गाइस ये नहीं होता कि गाड़ी अपनी तेज चलाओ, बहुत ज़्यादा तेज भाई, सेफ भी चलाना ज़रूरी है ना। वैसे लूँगा थोड़ा सा, ऐसे ट्रक हो तो बहुत बचता हूँ गाइस। भाई लोग साइकिलिंग करते हुए, हम बाइकिलिंग करते हुए उसमें जा रहे हैं भाई। बिल्कुल सेंटर में इसकी लाइट जल रही है, ऐसा लग रहा है कहीं और ही फिट करा रखे भाई लाइट, क्योंकि काला था उसका वो था जो भी उसने पहन रखा है शॉर्ट्स, वो काली गद्दी, ऐसा लग रहा था लाइट जो है बिल्कुल फिटिंग करा रखी है अंदर डिग्गी बीच। ओ भाई साउंड बहुत कर रही है भाई, एग्रा पॉइंट लगा हुआ है इसमें भी। टीवी के लग लगा रखा है, साउंड कम करे भाई। रोडों का तो घर जवाब नहीं, मजा ही आ रहा है। डिस्पॉइंटेड हो गए हैं थोड़ा सा, बंदे के लग गए, और नया बंदा था, हमने तो उसे पहली बार ही देखा था यार, इसलिए हमारे लिए तो नया था। तो ये गाइस आ गए हम बाइकों का मेला, बाइक ही बाइक होंगे यहाँ पे, तमाम राइडर खड़े होंगे जी, हम भी छोटे मोटे राइडर बन गए अभी आन के। ठीक है भाई, देखो खरगोश खड़ा है, पूरा सेटअप ले रखा है इसने बंदे ने। तो गाइस आ गए अपने पॉइंट पे, अब इंतजार करेंगे आरजे का और देखते हैं यहाँ पे कौन आ जाएगा। देखो भाई बंदा स्टॉप ही मार रहा है, वेरी गुड, लेकिन हल्की सी लग रही है इससे यार। आगे चलता हूँ देखता हूँ इसने क्या क्या कर रखा है। ओहो ये तो फास्ट मॉडल है यहाँ का, R15 का V4 हो गई, फिर V4 V3 अच्छा है।
बाइक है तो काफ़ी लगी हुई है, ये भी अच्छी ग्राफिक लग रही है ब्लैक के ऊपर। ये वाली RC 39 है भाई, मुझे अच्छी लगती है। फेरी वाली भाई कोई सी भी हो मेरे को अच्छी ही लगती है भाई। बाकी तो देखते हैं यार आगे चल के और क्या क्या, लेकिन मुझे लग रहा है आज ग्रुप रवाना हुआ क्योंकि हम लेट हो गए ना यार। अरे क्या हुआ, चैन खुल गया, तू कर लोगे सही? नहीं आता मैकेनिक से होगी भाई, है मैकेनिक ही करेगा। टूटी नहीं है, उतर गई है, उतर गई उतर। अच्छी ग्राफिक है भाई, ग्राफिक अच्छा है यार, कलर वाइज। लेकिन भाई अपनी बाइक भी बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है भाई, ज़बरदस्त। यार आज तो सिर्फ R15 ही दिख रही है, बाकी सुपर बाइक तो मुश्किल ही लग रहा है। ये कौन सी है? ये अबे कौन सी है, रेडबुल? अबे यार ये तो अपनी वो है जिक्सर है ना, जिक्सर पहचानने में भी नहीं आ रही गाइस लेकिन हमारी पहचानने में आती है। R1 है तो R1 है, हम तो शुरू से R1 लवर हैं यार। बहुत बंदे ने तो साइड कर रखा है, तो सींग विंग सब लगा रखे हैं भाई बंदे ने, एग्रापोविक साउंड बहुत अच्छा है। हाँ भाई बिल्कुल जगह से भाई बेहतरीन है। मतलब अभी तक जिक्सर को मैंने इतनी सजीवी इतना बढ़िया करके नहीं देखा। बाकी मेरी बाइक पे अगर आप देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। गाइस बहुत ही शानदार भैया की ये बाइक है, इन वाले भैया की यार, यार पूरा गेटअप बना रखा सींग विंग लगा के यार। कोई नहीं, आपके ज़ॉम्बी जब शूट करेंगे ना, हो सकता है इनसे कॉन्टेक्ट कर ले, एक ज़ॉम्बी अभी हो गया बंदा हमारा लेकिन बहुत बहुत ही अच्छी लग रही है। ये जो रेड बुल है ना, बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है ये, ऐसे करके पूरे में समझ में भी आ रहा है, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही बस लिखवा दिया हाँ रेड बुल है। रेड बुल तो बहुत है, अच्छी है भाई अच्छी है। उनको बाद में देखूंगा, लाल चलता उनके पास। ये भी गुरु पे भाई, सबके अपने अपने मन है, हमारे भी अपना मन है, तो यही है। NS पल्सर 125 बुलेट, अच्छा अच्छा शूट चल रहा है भाई का। हेलो भाई शूट करो, नॉर्मल सी बाइक जो होती है वही है अपनी इंडियन। वाह वाह वेरी गुड, काफी अच्छी है बुलेट एनफील्ड। तो भाई चलते हैं अपनी बाइक के पास ही, शायद कुलदीप आ जाए और नहीं आए तो उसके बाद निकलेंगे यार। लेकिन आज यार पनौती हो गई है यार, देख लेते हैं कुछ है तो। क्या हुआ आज राइडर हो, राइडर चले गए क्या? ग्राउंड मार के आ गया, आज इतना कुछ खास है नहीं लेकिन फिर भी शूट तो हमने कर ही लिया है, थोड़ा बहुत और कर लेंगे। जा ही रहे हैं बाहर, तो आ गए भाई अपनी R15 के पास।
से ग्रुप से तकरीबन ये निकल ही चुके हैं, हम भी किसी का वेट कर रहे हैं, नहीं तो अब तक निकल कर हर जगह वेट कर रहे हैं, हर जगह आ जाएंगे तो फौरन हम भी निकलेंगे। गाइस डायरेक्ट सिक्स स्टार आ चुकी है, देखो बहुत गाड़ी पसंद है, गोपाल जी की जो ये वाली बाइक है भाई बहुत बढ़िया है, अच्छी लग रही है। तो मेरा दिल्ली नगर का स्टाफ है ना। सो गाइस चलते हैं भाई रील बनाने, क्योंकि आज यार मूड खराब हो गया हर जगह, और हमारा भी हो ही गया, क्योंकि अगर पनौती हो जाए ना तो फिर ज़रा आराम से ही सही रहता है। बारह आलम रील वील बनाएंगे थोड़ा सा एक दो, उसके बाद ही देखेंगे। भाई साहब सारी बुलेट में है ना, तो भाई पिछली बार जब मैं इस साइड जाऊंगा, इस साइड, हाँ तुम इधर जाना।
तो गाइस रील बना रहे हैं हम। फिर भी बहुत अच्छी आई है ये वाली, ये बहुत अच्छी। हाँ किस साइड में जाओगे तुम बताओ? मैं इधर जाऊँ उधर ना, तुम किधर? मैं इधर निकलूंगा। गाड़ी आ रही है, बस बस बस। पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन अब।